प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल है। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने सियासी कसरत अभी से शुरू कर दी है। इस कड़ी में ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी ने चाणक्य सम्मेलन की शुरुआत की है। जी हाँ, रविवार को कैसरबाग स्थित गांधी भवन में आम आदमी पार्टी की तरफ से चाणक्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव के वायदों की फहरिस्त थमाई गई है। चाणक्य सम्मेलन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें मुफ्त बिजली और बिजली का बिल माफ करने का वादा किया गया है। साथ ही शिक्षा और रोजगार को लेकर कई बातों कि 25% संपूर्ण बजट का 5.5 लाख करोड़ के बजट का 25% पैसा शिक्षा को ऊपर खर्च करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी, इसका ऐलान करेंगे। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे, जिससे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का अभिभावकों का शोषण ना हो सके, बड़ी हुई फीस के नाम पे डोनेशन के नाम। इन नीतियों पे आज इस चाणक्य विचार सम्मेलन में चर्चा होगी। समाज में हो रही अनीति, समाज में हो रहे अत्याचार, समाज में हो रहे जुल्म, समाज में हो रही जाति और कैसी व्यवस्था आम आदमी पार्टी देना चाहती है, इस विषय में आज इस चाणक्य विचार सम्मेलन में चर्चा होगी। मैं अब आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित करूंगा हरिशंकर पांडे जी, जो हमारे इस आज के कार्यक्रम के आयोजक है, जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। प्रमुख प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष भाई हरिशंकर पांडे, तो नफरत की बुनियाद पे न उत्तर प्रदेश बन सकता है, न हिंदुस्तान बन सकता है। आज इस विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और एक साफ संदेश आम आदमी पार्टी देना चाहती है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों की सरकार बनेगी, किसी जाति और धर्म की सरकार नहीं बनेगी। और इसलिए हम खुलकर कहते हैं कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, किसी जाति का वोट बैंक, किसी धर्म का वोट बैंक, बल्कि हमारा वोट बैंक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिक हैं, जिनको हम कहते हैं कि सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 24 घंटे बिजली दी जाएगी और पुराने बिजली के बिल जितने भी बकाया होंगे उनकी होलिका जलाने का काम हम सब लोग मिलेंगे। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।